एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुजहत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेपो रेट आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज जून 2022 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने हाल ही में डिसाइड किया है कि जो पॉलिसी रेपो रेट है उसको 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया जाएगा और अब ये हो गया है 4.9% अपनी जून 2022 की मीटिंग के बाद। ठीक है, तो एमपीसी मेंबर्स ने इसके लिए यूनानिमसली वोट किया, मतलब सबकी हामी थी इसमें। और जबकि लास्ट मंथ की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेस किया था रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट्स से। ठीक है, इसके अलावा जो रियल जीडीपी फोरकास्ट है फिनेंशियल ईयर 23 के लिए, इसको 7.2% पे रखा गया है और जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है उसको रिवाइज किया गया है फिनेंशियल ईयर 23 के लिए कितने पे, 6.7%। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.9% क्योंकि रेपो रेट पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर ऑटो डेबिट मैंडेट्स डन थ्रू कार्ड्स एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आफ्टर जून 2022। देखिए, पहले क्या होता था, जो ऑटो डेबिट मैंडेट्स थे जो कार्ड्स और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के प्लेटफॉर्म से करते हैं, उसकी वैल्यू मतलब उसकी लिमिट कितनी थी, सिर्फ 5,000 रुपये। लेकिन अब इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा के कर दिया है 15,000 रुपये। ठीक है, तो जो कस्टमर्स हैं इसका मतलब क्या है, जो रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स कस्टमर करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन यूटिलिटी बिल और EMIs वगैरह पे, उनको बार बार OTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब जब तक वो 15,000 की लिमिट तक नहीं पहुँचते हैं तब तक के लिए उनको बार बार ऑथेंटिकेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर ऑफिसर्स टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अमेंड किया है सर्विस रूल्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जनरल बिपिन रावत की डेथ के बाद, जिनका देहांत हो गया था एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, राइट। और ये इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, राइट। तो अब इस न्यू रूल के हिसाब से जो भी 3-star या 4-star ऑफिसर्स हैं फ्रॉम द 3 सर्विसेज, उनकी एज 62 होनी चाहिए अगर वो CDS की पोस्ट पे आना चाहते हैं। तो इसमें वो लोग भी इंक्लूडेड हैं जो लास्ट 2 सालों में रिटायर हुए हैं, उनको भी कंसिडर किया जाएगा। और CDS की बात करें तो ये एक मोस्ट सीनियर यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर रैंक है। और याद रखिएगा कि कंट्री के अंदर द ओनली 4-star ऑफिसर्स किनको माना जाता है, CDS को, और जो चीफ होते हैं ट्राई सर्विसेज के उनको, राइट। तो अब ये एज कितनी कर दी गई है, 62 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअसली लेड लेन ऑफ 75 किलोमीटर्स। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है 75 किलोमीटर्स का कंटिन्यूअस बिटुमिनस कंक्रीट इन अ सिंगल लेन ऑन NH 53, जो कि रन करती है बिटवीन अमरावती एंड अकोला इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस लेन को ले किया गया जस्ट 105 आवर्स में और 33 मिनट्स में, मतलब आप लगभग मान के चल सकते हैं कि 5 दिन। ठीक है, और इसी के साथ हमने कतर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। साथ ही रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है इस टीम को, जिसमें टोटल 720 वर्कर्स थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप्स।
तो इस वुमेन क्रिकेटर मिथाली राज ने हाल ही में अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट सभी तरह के क्रिकेट के फॉर्म से, ठीक है। तो ये सिर्फ 39 ईयर ओल्ड हैं और ये फर्स्ट और ओनली वुमेन क्रिकेटर हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने सचिन तेंदुलकर को ज्वाइन किया है इस फीट के लिए और जावेद नियांदात को जो कि पाकिस्तान से हैं, और इन्होंने 7,805 रन्स बनाए हैं फ्रॉम 232 ODIs और ये हाईएस्ट है किसी भी वुमेन की ODI गेम के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये एक लॉन्ग सर्विंग इंडियन कैप्टन भी हैं। इनका टोटल रन कितना है 10,868 रन्स, जो कि अब तक का किसी भी वुमेन का सबसे ज़्यादा क्रिकेट रन रिकॉर्ड है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी लिखारा एंड श्री हर्ष देवरेड्डी हु वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो टोक्यो के पैरालंपिक्स चैंपियन अवनी लिखारा, इन्होंने अपनी जगह बनाई है 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स में आफ्टर विनिंग द गोल्ड मेडल, कहाँ पे, इन द पैराशूटिंग वर्ल्ड कप इन वुमेन्स 10 मीटर्स एयर राइफल, जो कि कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है, पहले कितना था 249.6, और अनदर पैराशूटर हैं श्री हर्ष देवरेड्डी, ये मेल हैं और इन्होंने जीता है गोल्ड इन मिक्स्ड 10 मीटर्स एयर राइफल कितने पॉइंट के साथ, 253.1 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये दोनों लोग किससे एसोसिएटेड हैं, शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन ऑर्डर टू प्रोहिबिट द पीपल अंडर 21 फ्रॉम बाइंग द सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स। तो हाल ही में न्यूयॉर्क ने साइन की है 10 पब्लिक सेफ्टी रिलेटेड बिल, जिसमें इन्होंने प्रोहिबिट किया है न्यूयॉर्कियन को जो अंडर द एज 21 है कि वो किसी तरह के सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स को परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ न्यूयॉर्क ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने कि इनैक्ट किया है एक मेजर गन कंट्रोल इनिशिएटिव, और ये जो इनका बिल है इसमें एक और बात क्या इंपॉर्टेंट है कि ये चाहते हैं कि माइक्रो स्टैम्पिंग हो हर तरह के फायर आर्म्स के ऊपर जो बिल्कुल नए हैं। इसे क्या होगा, ये लॉ को बेसिकली इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा और जो भी गन रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं उनको भी कम करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री हो जाएगी, USA। नेक्स्ट इज, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इंडियाज वेरी फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अनाउंस किया है कंट्री का पहला नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, और इस पॉलिसी में एयर स्पोर्ट्स बहुत सारे कवर किए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, मॉडल रॉकेटरी, ड्रोन्स, बैलूनिंग, फिर ग्लाइडिंग एंड पावर ग्लाइडिंग, इसके अलावा हैंग ग्लाइडिंग होती है, पैराशूटिंग, फिर इसके अलावा पावर्ड एयरक्राफ्ट एंड रोटर क्राफ्ट एट्सेट्रा, राइट। तो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मतलब ASFI ये एपेक्स गवर्निंग बॉडी है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है इससे, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनाउंस्ड $1.9 बिलियन इन प्राइवेट सेक्टर फंडिंग एम्ड एट बूस्टिंग जॉब्स। तो US की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने हाल ही में अनाउंस किया है कि $1.9 बिलियन को फंड किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में, और एम क्या है, जॉब्स को बूस्ट करना ताकि जो सेंट्रल अमेरिका से माइग्रेशन हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सके, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट हाल ही में किया गया लैटिन अमेरिका समिट में, जो कि कहाँ पे हुआ था, लॉस एंजलिस में, और ये जो फ्रेश फंडिंग है ये $1.2 बिलियन फंडिंग के अलावा है, मतलब ये पहले किया गया है ऑलरेडी इस पर्पस के लिए, ठीक है। और एम क्या है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, बेसिकली नॉर्दर्न ट्रायंगल को कवर करते हुए, मतलब एल साल्वाडोर, ग्वातेमाला एंड होंडुरस, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अनाउंस किया सेंट्रल अमेरिकन सर्विस कॉर्प्स, ताकि जो वहाँ के यंगस्टर्स हैं उनको मेंटोर किया जा सके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर अ रिसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट June 2022, वॉट इज द GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, और इस रिपोर्ट में इन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए
जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट पहले किया था 8% का, उसको कम करके कर दिया है 7.5%। और रीज़न क्या बताया है? जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन, फिर जो सप्लाई चेन प्रेशर्स हो रहे हैं, इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन की वजह से, ये सारे इन्होंने रीज़न बताए हैं। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट है उसको भी कम करके कर दिया है 2.9%, पहले कितना था 4.1%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाज फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इन 2022? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिस्टर मनसुख मांडवीय, इन्होंने रिलीज की है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाज फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। ठीक है, और इसके अंदर में जो स्टेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है टोटल 5 पैरामीटर्स पे फूड सेफ्टी के। फाइन, तो लार्जेस्ट स्टेट्स के टर्म्स में बात करें तो फर्स्ट पे था तमिलनाडु, सेकेंड पे था गुजरात और थर्ड पे था महाराष्ट्र। फिर वहीं अगर स्मॉलर स्टेट्स को देखेंगे तो फर्स्ट पे था इसमें गोवा, सेकेंड था मणिपुर और थर्ड था सिक्किम। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज के टर्म्स में फर्स्ट पे था जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड पे है दिल्ली और थर्ड पे है चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयुर्वेदा आहार लोगो विच वॉज रिलीज रिसेंटली हैज बीन डिजाइंड इन विच कलर टोन? तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवी ने लॉन्च किया है आयुर्वेदा आहार लोगो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं 7 जून को। ठीक है, और आयुर्वेदा आहार ये एक तरह का फूड होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है विथ रेसिपीज इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोसेसेस जो कि डिस्क्राइब होते हैं इन द बुक्स ऑफ आयुर्वेदा, और ये लिस्टेड है इन शेड्यूल ए ऑफ FSSAI रेगुलेशन। ठीक है, तो जो डिज़ाइन है इसका वो ग्रीन कलर्ड लोगो पे बेस्ड है और इसमें इनिशियल लेटर्स लिए गए हैं आयुर्वेदा और आहार के, जो कि इसमें प्रेजेंट हैं इन देवनागरी एंड इंग्लिश स्क्रिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खीर भवानी मेला इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो एनुअल माता खीर भवानी मेला स्टार्ट हो गया है रागन्य टेम्पल में, ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो इस मेला को 2 साल के बाद सेलिब्रेट किया जा रहा है, और क्यों नहीं हो पाया 2 साल तक? बिकॉज ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड ऑन June 8? यहाँ पे 8 होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट किया है 8 जून को एज द वर्ल्ड ओशन डे, जिसके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि किस तरह से हमें अपने ओशंस को सेव करना चाहिए और उनको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना चाहिए फ्यूचर के लिए। ठीक है, और इस साल के लिए थीम थी रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन, और ये जो थीम है इसको इसलिए चूज़ किया गया है ताकि इस बात पे फोकस किया जाए कि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि किस तरह से हम अपने ओशन को हार्म करना बंद करें, बल्कि हमें एक्शंस भी लेने पड़ेंगे कि जो हम ऑलरेडी हार्म कर चुके हैं उसको किस तरह से रिस्टोर किया जाए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ओशन डे। नेक्स्ट इज विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज इंस्टॉल्ड एशियाज लार्जेस्ट कार पोर्ट टाइप सोलर पावर प्लांट इन इंडिया? तो मारुति सुजुकी इंडिया ने सेटअप किया है एशिया का लार्जेस्ट कार पोर्ट टाइप 20 मेगावाट पीक सोलर पावर प्लांट, कहाँ पे? एट इट्स मानेसर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव है इससे कंट्रीब्यूट होगा लगभग 28,000 मेगावाट पर एनम, जो कि इक्विवेलेंट है कितनी एनर्जी के? जो रिक्वायर होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओवर 67,000 कार्स एनुअली। ठीक है, और इसी के साथ जो कंपनी की कंबाइंड सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो हो गई है 26.3 मेगावाट पीक। ओके, और सोलर कारपोर्ट की बात करें तो ये एक तरह का ओवरहेड शेड पार्किंग एरिया शेल्टर है सोलर पैनल्स के लिए। ठीक है, तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। अब हम लोग यहाँ से रिविजन सेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। Which country approved to end the European Court of Human Rights jurisdiction on it? तो हाल ही में रशिया की पार्लियामेंट ने एक बिल अप्रूव किया है जिसके थ्रू ये यूरोपियन कोर्ट ऑफ
ह्यूमन राइट्स ज्यूरिसडिक्शन को रिमूव कर रहे हैं कंट्री से, ठीक है। विच कंट्री हैज़ पार्टनर्ड विद चाइना फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ रीम नेवल बेस? तो हाल ही में कैम्बोडिया ने ये पार्टनरशिप की है चाइना के साथ, ताकि जो इनका रीम नेवल बेस है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, और ये एबल हो जाएगा टू अकोमोडेट शिप्स ऑफ अप टू 5,000 टन्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वैसे तो कंबोडिया ने ये डिनाई किया है, नहीं माना है कि उन्होंने चाइना को अलाउ किया है अपनी मिलिट्री प्रेजेंस के लिए इस पोर्ट पे, लेकिन यूएस और अदर कंट्रीज़ का ये अब मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका है कि चाइना अब यूज़ करेगा इस पोर्ट को एज अ नेवल आउटपोस्ट ऑन द गल्फ ऑफ थाईलैंड, राइट। और इसके पहले हमने देखा था कि चाइना ने एक सिक्योरिटी डील साइन की थी विद द सोलोमन आइलैंड, और ये भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट? तो इंडिया और वियतनाम ने हाल ही में ये MOU साइन किया है ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, और ये कब साइन हुआ? जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अपनी विजिट पे थे टू द वियतनाम। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर्स ने साइन किया है एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टूवर्ड्स 2030, और जिसकी हेल्प से जो स्कोप है डिफेंस कॉपरेशन का उसको इन्हेंस किया जाएगा। विच कंट्रीज टॉप कोर्ट कर्टेल द गवर्नमेंट सिटीजनशिप पावर्स? तो ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट कोर्ट ने हाल ही में एक लैंडमार्क रूलिंग की है, जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट की सिटीजनशिप पावर को कर्टेल कर दिया है, और इसी के साथ हाई कोर्ट ने रिस्टोर किया डेलिल अलेक्जेंडर की ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप, जिसको कि इलीगली कैंसिल कर दिया गया था लास्ट ईयर बाय द देन होम अफेयर्स मिनिस्टर कैरिन एंड्रयूज, ठीक है। तो डेलिल अलेक्जेंडर को सस्पेक्ट किया गया था टू बी इस्लामिक स्टेट ग्रुप फाइटर, इसी वजह से इनको सिटीजनशिप से ऑस्ट्रेलिया की हटा दिया गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू गेट अ प्रोसेस्ड स्टील स्लैग अंडर द वेस्ट टू वेल्थ एंड क्लीन इंडिया इनिशिएटिव? ये कौन सी सिटी है? सूरत। डेवेंसी मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो ये मिशन है एक्चुअली नासा का, और कौन सी कंट्री से रिलेटेड हो जाएगा? USA। और डेवेंसी का फुल फॉर्म क्या होता है? द डीप एटमोसफियर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022? ये भी जस्ट पीछे देखा है, आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और एम क्या है, मतलब विजन क्या है? इंडिया को वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनाना, कब तक? 2023 तक। इलाविनिल वलारिवन, श्रेया अग्रवाल एंड रमिता सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये किससे रिलेटेड हैं? शूटिंग से। और ये एक्चुअली इंडिया की वुमेन शूटिंग टीम है, जिसने कि गोल्ड मेडल जीता है इन 10 मीटर एयर राइफल वुमेन्स टीम इवेंट, कहाँ पे? एट ISSF वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। और ये चैंपियनशिप हुई थी बाकू में, जो कि कैपिटल है अजरबैजान की। इन विच सिटी डिड द यूनियन होम एंड कॉपरेशन मिनिस्टर ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। आर प्रज्ञानंद इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? ये रिलेटेड है चेस से। निखत जरीन, हु रिसेंटली वन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, प्लेस विच स्पोर्ट्स? एक्चुअली ये चैंपियनशिप हुई थी इस्तांबुल टर्की में, और इसमें इंडिया ने टोटल 3 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो निखत जरीन की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन 52 kgs कैटेगरी में, और ये कौन से स्टेट से हैं? तेलंगाना से, ठीक है। फिर सेकेंड है मनीषा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कौन सी कैटेगरी में? 57 kg की कैटेगरी में। और थर्ड है परवीन, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल 63 kgs की कैटेगरी में। आपको कमेंट्स में लिखना है कि बेस्ट बॉक्सर किसको बनाया गया था इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप में। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो जाएंगी? बॉक्सिंग। लास्ट है थॉमस कप विच वॉज क्लिंच्ड बाय इंडिया रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो थॉमस कप जीता है इंडिया ने कौन सी कंट्री को हरा के? इंडोनेशिया। और ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो जाएगा? बैडमिंटन, ठीक है। और वहीं अगर ऊबर कप की बात करें तो ऊबर कप जीता था साउथ कोरिया ने चाइना को हरा के, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हेड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड?
इसके लिए हेड बनाए गए हैं मिस्टर अनवर हुसैन शेख. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ कमिटी बी एट द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. आंसर हो जाएगा मिस्टर राजेश भूषण. ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि थीम क्या थी 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की. फॉर द ईयर 2022-23 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्रेजिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. इसके लिए प्रेजिडेंट नियुक्त हुए हैं मिस्टर संजीव बजाज. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द आर ई सी लिमिटेड्स न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. आंसर हो जाएगा मिस्टर रविंदर सिंह ढिल्लो. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ग्राम उन्नतीस न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन. आंसर इज मिस्टर सुनील अरोरा. ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे. ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे. विद दिस मीनू ज़हद सना साइनिंग ऑफ.